स्टूडेंट्स, आज बच्चे हम लेसन 4 एनिमी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब तक आपने क्या पढ़ चुके हो देखिए, थोड़ा सा ओवरव्यू बताता हूँ मैं आपको, फिर लेसन को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आपने पढ़ा था बच्चे डॉक्टर सदाओ के बारे में, ठीक है, रिवाइज करवा रहा हूँ सारा चैप्टर और कल गूगल मीट पे भी करेंगे हम। सबसे पहले डॉक्टर सदाओ के बारे में पढ़ा था, ठीक है बच्चे। ही वॉज सेंट, उसे भेजा गया था कहाँ पर, अमेरिका में। किस चीज़ की स्टडी के लिए, दो चीज़ों की स्टडी के लिए। कौन कौन सी थी बच्चे, वो मेडिसिन और क्या था, सर्जरी। यही पढ़ा था बच्चे आपने, और ऊपर मैंने एक लाइन लिखवा दी थी लेसन के बेस के लिए कि दोज डेज जापान एंड अमेरिका वर ऑन वॉर। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। किस किस के बीच युद्ध चल रहा था बच्चे, जापान एंड अमेरिका वर ऑन वॉर। अब डॉक्टर सदाओ अमेरिका में जब गए तो उनकी मुलाकात एक ब्यूटीफुल गर्ल, किससे, हाना से। दे फेल इन लव आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडी, दे केम बैक एंड दे गोट मैरिड। उनकी शादी हो गई थी, किसने करवाई थी बच्चे, सदाओ फादर। कैसे कराई, इन ओल्ड जैपनीज कस्टम्स। उसके बाद बच्चे उनका घर कहाँ बनाया था हमने, याद करो, जैपनीज कोस्ट पर, ठीक है। उनका घर कहाँ था, जैपनीज कोस्ट पर, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। और एक दिन एक वाउंडेड सोल्जर, घायल सैनिक, वॉश्ड आउट तैरता हुआ उनके घर के बाहर आया। उसकी कैप पर क्या लिखा था, यूएसए नेवी, जिसे क्लियर हो गया था कि वो कैसा सोल्जर है, एनिमी सोल्जर का नाम दे दिया था हमने। लेकिन फिर भी डॉक्टर सदाओ ने उसकी सहायता करी, उसका इलाज करा। किसने सहायता करी उसके साथ में, हाना ने। और घर छोड़कर कौन चला गया था, इस बात से नाराज होकर एक तो मेड सर्वेंट यूमी और एक गार्डनर, ये बात आपको समझाती थी। अब बच्चे उन्हीं दिनों डॉक्टर सदाओ एक व्यक्ति का इलाज और कर रहा था, कौन था वो, जनरल, क्या नाम रखोगे उसका, जनरल नेम याद रखोगे, सैनिकों का अधिकारी होते जो। तो डॉक्टर सदाओ ने सारी बात उसको बता दी, किसके बारे में, सैनिक के बारे में। तो उसने उसे सलाह दी, सजेशन किया कि हम उसको क्या करेंगे, सैनिक को मरवा देंगे प्राइवेट असिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। ये बात बच्चे डॉक्टर को सहमति होगी और डॉक्टर घर पे आ गया था। अब बच्चे क्या हुआ लास्ट स्टेप में, कि वो हथियारे आते ही नहीं है मारने के लिए, जिनको डॉक्टर सदाओ ने कहा था ना कि वो आएंगे और मार के चले जाएंगे, लेकिन वो असिस्टेंस आते ही नहीं है। अब देखिए डॉक्टर सदाओ क्या स्टेप लेगा लास्ट में, आज हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे बच्चे इसका, ठीक है। देखिए ध्यान से देखना, लास्ट पार्ट है आज। अब क्या हुआ, जब असिस्टेंस नहीं आए बच्चे मारने के लिए, तो डॉक्टर सदाओ ने लास्ट में क्या डिसाइड किया, उसको वापस भेजने का निश्चय किया। कहता मैं तो नहीं मार सकता अपने हाथों से, क्योंकि मैं तो इलाज किया है। तो डॉक्टर सदाओ डिसाइड किया टू एस्केप हिम, उसे वहाँ से बचा निकलने का, सेफली सुरक्षित वापस उसे भेज देगा। ये डिसीजन ले लिया डॉक्टर सदाओ ने। अब कैसे वापस भेजा बच्चे, देखिए ही अरेंज्ड, डॉक्टर सदाओ ने क्या अरेंज किया देखिए पहले, ही अरेंज्ड अ बोट, पहले तो उसके लिए क्या अरेंज करी, एक बोट, किश्ती, फूड, खाना एंड क्लोथ्स और कपड़े फॉर सोल्जर, किसके लिए, सोल्जर के लिए। सोल्जर को कहा भाई तो आराम से वापस चल जा, और उसे क्या क्या अरेंज करके दिया, बोट, फूड एंड क्लोथ्स। डॉक्टर सदाओ ने सोल्जर के लिए ये तीन चीज़ें अरेंज करी, और ही इंस्ट्रक्टेड, और उसे एक निर्देश दिया, ही इंस्ट्रक्टेड टू फ्लैश लाइट, एक टॉर्च दी थी, और उसे क्या क्या, फ्लैश दी लाइट एट डस्क, सूर्य अस्त के समय, डस्क होता है सूर्य अस्त, डाउन होता है सूर्य होते हैं। तो ही इंस्ट्रक्टेड, उसे इंस्ट्रक्शन दी टू फ्लैश दी लाइट, लाइट को फ्लैश करना एट डस्क,
टू टाइम्स, कितनी बार, दो बार। और ही अंडरस्टूड, जिससे वो समझ जाएगा, ही अंडरस्टूड। कहता जब दूर पहुंचेगा ना तू, तो शाम के समय कितनी बार लाइट को फ्लैश करना, दो बार, क्योंकि अंधेरे में लाइट दिखेगी। इसका मतलब वो समझ जाएगा, ही अंडरस्टूड दैट टॉम एस्केप सेफली। अब टॉम नाम आया बच्चे, देखिए टॉम उस सोल्जर का नाम था जो लास्ट लाइन में हमें पता चला है, टॉम एस्केप्ड सेफली। टॉम क्या हो गया, वापस सुरक्षित पहुंच गया है। तो इन दिस वे, इस तरीके से डॉक्टर गेट रिड ऑफ छुटकारा पाता है, किससे, एनिमी सोल्जर से, हालांकि उसकी सहायता ही करता है। इन दिस वे डॉक्टर सदाओ गेट्स रिड ऑफ छुटकारा पाना, किससे, सोल्जर से छुटकारा पा लेता है, उसे वापस भेज देता है। अब खड़े खड़े सोचता है उसी बीच पर, कोस्ट पर, कि डॉक्टर सदाओ देशभक्त है या देशद्रोही है, पैट्रट है या ट्रेटर है। ठीक है, तो अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि वो देशभक्त था या देशद्रोही था। ठीक है, अब सारा कंक्लूजन से आप बताएंगे कि डॉक्टर सदाओ देशभक्त था या देशद्रोही था, ये बात आप बताएंगे, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा यस और नो में, हाँ वो क्या था, देशभक्त था या देशद्रोही था, क्योंकि उसने एनिमी सोल्जर को बचे वापस भेज दिया था बिल्कुल सुरक्षित। ठीक है, तो इसको आप देखें पूरी वीडियो को, और कल गूगल मीट पर हम क्लास लगाएंगे यही एनिमी की, और मंडे को नया लेसन स्टार्ट करेंगे, शुड विजार्ड हिट मम्मी। ठीक है, बहुत अच्छा लेसन है, आपको करवा जाएगा मंडे को स्टार्ट। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।